फिल्म का था, हरिशंकर परसाई की, जैसा सर ने बताया थे, मैंने व्हाट्सएप पे लिखा भी था कि हरिशंकर परसाई की कहानी पढ़ूंगा मैं। बहरहाल एक फिल्म का था, यह रंजना और राकेश की प्रेम कहानी है। रंजना बहुत अच्छी लड़की है और उसे गाना भी आता है। राकेश भी बहुत अच्छा लड़का है, वह एक करोड़पति का एक लौता बेटा है। वह थोड़ा आवारा है क्योंकि उसे प्यार करना है और हमारे समाज में कोई भी अच्छी स्त्री किसी शरीफ आदमी से प्यार नहीं करती। राकेश को भी गाना आता है। राकेश की एक आदत है, वह उन स्थानों के आसपास घूमता रहता है जहाँ गुंडे स्त्रियों को तंग करते हैं। जो किसी सुंदरी को कोई गुंडा छेड़ता है, राकेश उससे भिड़ जाता है और उसे पीट कर स्त्री को उसके घर पहुंचा देता है। एक दिन गुंडों से घिरी रंजना को राकेश बचाता है और उसे घर पहुंचाने जाता है। रास्ते में रंजना राकेश को 17 बार देखती है और राकेश रंजना को 31 बार देखता है। तब रंजना उसके प्रति आभार प्रकट करती है और राकेश कहता है, यह तो मेरा कर्तव्य था। राकेश और रंजना अब 5 गाने ऐसे याद करते हैं जिन्हें डुएट या 2 गाने कहते हैं। इन गानों में एक कड़ी नायक गाता है और दूसरी नायिका गाती है। ये गाने सीख कर अपने अपने घर में बैठे एक एक कड़ी गाते रहते हैं, उनके हृदय मिल गए हैं। इसलिए जो ही एक गाना आरंभ करता है, दूसरा जान जाता है और वो आगे गाने लगता है। प्रेमी युगल इस तरह 5वां गाना गाने ही वाला है कि कहीं से एक चांद निकल पड़ता है। दोनों चांद को देखते हैं और चांदनी के बारे में गाना गाते हैं। गाना समाप्त होने पर वे कष्ट खाते हैं कि हम एक दूसरे के हो गए, हम जीवन भर साथ रहेंगे। इस संबंध में एक और गाना गाकर वे अपने अपने घर चले जाते हैं। रंजना के पिता बाबू हरप्रसाद को लड़की के विवाह की चिंता है, वह गरीब आदमी है। इधर राकेश के पिता बेटे की शादी रईस के घर करने की योजना बना रहे हैं। राकेश रंजना से शादी करने की इच्छा प्रकट करता है, पर पिता कहते हैं गरीब के घर विवाह करने से उनकी इज्जत चली जाएगी, यह मेरी इज्जत का सवाल है, उनका कहना है। अब यहाँ खलनायक प्रकट होता है, सुरेंद्र सिंह, एक पुराने जमींदार का एक लौता बेटा है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। बाबू हर प्रसाद पर, रंजना के पिता पर, उसका 15,000 कर्ज है और वह उनका मकान उनके पास रखा हुआ है। वह जब तब मकान बेदखल करने की धमकी देता रहता है। उसकी नजर रंजना पर है। एक दिन रंजना एक वैरायटी शो देखने जाती है। वह 3 नाच देखती है। 4th नाच के लिए राकेश ही नर्तक के वेश में मंच पर आता है। जेहू ही रंजना की दृष्टि उससे मिलती है, वह उसे पहचान लेती है। दोनों मुस्कुरा उठते हैं। राकेश एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य पेश करता है जिसमें भरतनाट्यम और रॉक एंड रोल का मिश्रण है। रंजना यह देखकर बहुत प्रसन्न होती है कि राकेश को नाचना भी आता है। वह उसे पहले से अधिक प्यार करने लगती है। इधर सुरेंद्र सिंह बाबू हरप्रसाद से कर्ज पटाने के लिए कहता है। वह असमर्थता प्रकट करते हैं। वह कहता है कि यदि रंजना की शादी उससे कर दे तो वह कर्ज छोड़ देगा। बाबू हरप्रसाद से खाना नहीं खाया जाता। रंजना पिता की चिंता का अनुसमझ जाती है और कहती है, मैं सुरेंद्र सिंह से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बलिदान की परंपरा यहाँ से आरंभ होती है। रंजना इस निर्णय के बाद अपने कमरे में आती है और एक दरवाजा बंद करके दुर्भाग्य का गाना गाती है। फिर वो राकेश की तस्वीर लेकर उससे बातें करती है। दूसरे दिन रंजना राकेश को एक चिट्ठी लिखकर अपने निर्णय की सूचना देती है। लिखती है कि मुझे भूल जाओ। राकेश के हृदय को बड़ा गहरा धक्का लगता है। वह एक निराशा गाना गाता है। शादी की तिथि आ जाती है। बाजे गाजे के साथ सुरेंद्र सिंह अपनी बारात लाता है। रास्ते में से राकेश दिखता है। वह घोड़े पर बैठे बैठे ही चेहरे के फूलों को जरा हटाकर राकेश को मुंह चिढ़ाता है। राकेश की एक खास आदत है, जब किसी शादी में शामिल होने जाता है तो जेब में 25-30 हजार के नोट ले जाता है। जब वह देखता है कि लड़की किसी और को प्यार करते हुए भी कर्ज के दबाव के कारण किसी और से शादी कर रही है, तो वह वही मंडप में ही लड़की के बाप का कर्ज पटाकर लड़की की शादी उसके प्रेमी से करा देता है। आज वह 50,000 के नोट लेकर आया है। पंडित राकेश के प्रकट होने की राह देख रहे हैं। वह मंत्र पढ़ने में इसलिए विलंब कर रहा है
क्योंकि उसे मालूम है प्रेम करने वाली कन्याओं के पिता राकेश से अपना कर्ज पटाकर लड़की की शादी उसके प्रेमी से कर देते हैं। पंडित मंत्रोच्चार करने ही वाले हैं कि सहसा भीड़ में से राकेश सामने आता है और बड़ी दबंग आवाज में कहता है, ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। सुरेंद्र सिंह बाबू हरप्रसाद से कहता है, ये क्या बोल रहा है। बाबू हरप्रसाद को मालूम है कि राकेश 50,000 के नोट लेकर आया है और राकेश की बात का समर्थन करते हैं। सुरेंद्र सिंह कहता है, लाओ मेरा कर्ज पटाओ। राकेश तुरंत 50,000 के नोट उसके मुंह पर फेंक कर कहता है, ले अपनी धन की भूख शांत कर। इसके बाद राकेश वहीं धनवानों की हृदयहीनता पर एक जोशीला भाषण देता है। सुरेंद्र सिंह पांव पटकता हुआ मंडप से बाहर चला आता है। जाते जाते कह जाता है, याद रखना मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं बदला लेकर रहूंगा। बाबू हर प्रसाद राकेश से कहते हैं, बेटा तुमने मेरी इज्जत बचा ली। राकेश संकोच पूर्वक कुछ उत्तर देता है जिसका अर्थ है कि मैं तो इज्जत बचाता ही रहता हूँ। पंडित कह रहे हैं, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। यह सुनकर राकेश और रंजना वेदी पर बैठ जाते हैं और पंडित मंत्र पढ़ देते हैं। राकेश और रंजना बहुत प्रसन्न है। पर संसार में सुख और दुख का जोड़ा है। एक दिन राकेश सख्त बीमार होता है। रंजना डॉक्टर को नहीं बुलाती है और भगवान की मूर्ति के सामने पति के भगवान की मूर्ति के सामने पति की बीमारी के बारे में एक गाना गाती है। थोड़ी देर बाद राकेश अच्छा हो जाता है। राकेश और रंजना अब सुख पूर्वक रह सकते हैं पर नहीं रहते क्योंकि अभी फिल्म केवल 2 घंटे की हुई है और दर्शक भूले ना होंगे कि सुरेंद्र सिंह जाते जाते कह गया था, याद रखना मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, मैं बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। अब एक रहस्य और खुलता है। सुरेंद्र सिंह के पास रंजना के कुछ पत्र हैं जिन्हें वो प्रेम पत्र कहता है और रंजना को धमकी भेजता है कि ये मैं प्रेम पत्र राकेश को दिखा दूंगा। रंजना बहुत घबराती है और एकदम आत्महत्या करने चल देती है। आत्महत्या करने की जगह नदी का एक खतरनाक घाट है जहाँ बिल्कुल सुनसान रहता है, जहाँ रंजना डूबने जा ही रही है कि वहाँ एक साधु बैठा है। यूं ही वह रंजना को देखता है कि वह एक गाना गाता है इसमें संदेश देता है कि हे प्राणी, संसार तो दुख का स्थल ही है, तो हिम्मत मत हार, तेरे सुख के दिन आएंगे। रंजना ठीठक कर साधु के संदेश पर विचार करती है पर उसे उस पर विश्वास नहीं होता। वह घाट की ओर बढ़ जाती है। रंजना एक ऊंचे किनारे पर खड़ी है, नीचे अथाह पानी है, हवा शाय शाय कर रही है। इधर साधु भी धीमे धीमे पग पीछे चला आया। रंजना को नहीं मालूम क्योंकि उसने पीछे देखा ही नहीं, साधु रंजना के कूदने की राह देख रहा है। उसका नियम है कि जब तक सुंदरी कूदने ना लगे वह उसे नहीं बचाता। रंजना गिरने लगती है, साधु तुरंत उसे पकड़ लेता है। रंजना मरती है। साधु कहता है, बेटी, साधु से समझाता है और वह घर लौट जाती है। साधु कुटी में लौट आता है, रिपोर्ट लिखकर भारत साधु समाज के केंद्रीय कार्यालय को भेज देता है। रंजना पर साधु के उपदेश का असर पड़ता है, वह सत्य का सहारा लेती है। सुरेंद्र सिंह की छान वाली राकेश को बता देती है। राकेश को बहुत क्रोध आता है। वह सुरेंद्र सिंह के बंगले पर पहुंचता है, वहां देखता है कि सुरेंद्र सिंह मरा पड़ा है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। राकेश घबरा कर भागता है, रास्ते उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रंजना बहुत दुखी है, वह दुख भरे गाना गा कर समय काटती है। राकेश पर सुरेंद्र सिंह की हत्या का मुकदमा चलता है, अदालत भरी है। न्यायाधीश महोदय राकेश का बयान लेते हैं, फिर सरकारी वकील सिद्ध करता है कि हत्या राकेश ने ही की है। राकेश का वकील उसका खंडन करता है और सिद्ध करता है कि हत्या किसी और ने की। राकेश तो वहां बाद में पहुंचा। दर्शकों में बहुत सनसनी है, तीसरी बार सस्पेंस की स्थिति है। अब क्या होगा, क्या राकेश को फांसी हो जाएगी? न्यायाधीश फांसी की सजा सुनाने ही वाले हैं कि दर्शकों में से एक स्त्री चिल्लाती है, राकेश निर्दोष है, हत्या मैंने की है। स्त्री के बलिदान भावना देखकर सारे दर्शक मुग्ध हो जाते हैं। न्यायाधीश उस स्त्री को गिरफ्तार करवाने ही वाले हैं कि कहीं से एक भागता भागता एक आदमी आता है और अदालत में घुस कर चिल्लाता है, माई लॉर्ड, हत्यारा मैं हूँ, सुंदर सिंह की हत्या मैंने की है।
सब अचंभे में है, बड़ा सस्पेंस है, इतने आदमियों को बलिदान करने के लिए तत्पर देखकर न्यायाधीश का हृदय भर जाता है और वे सबको छोड़ देते हैं। उनका निर्णय है कि सुंदर सिंह ने आत्महत्या की है। सब प्रसन्न है, रंजना और राकेश आप सबको लोग रह सकते हैं क्योंकि फिल्म 3 घंटे की हो गई है। धन्यवाद।